मध्य प्रदेश के छतरपुर के थाना कोतवाली में हुए पथराव के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, पूरी घटना को हिंसक बनाने का सूत्रधार कौन है, इस घटना के असली गुनाहगार कौन है, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाना कोतवाली में धार्मिक भावना आहत होने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे एक प्रतिनिधि दल के साथ कैसे हजारों की संख्या की भीड़ जुट गई और वो हिंसक हो गई, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, इसकी विस्तार से कहानी हम आपको बताएंगे। देखिए पूरी खबर। तारीख 21 अगस्त 2024, छतरपुर में धार्मिक भावना आहत होने का ज्ञापन लेकर एक प्रतिनिधि दल पुलिस थाने पहुंचा। इसी दौरान थाने के बाहर हजारों की संख्या में एक वर्ग विशेष की भीड़ जुट गई और थाने पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे कैसे, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया। इस वीडियो को सुन लीजिए, यह मौलाना इरफान चिश्ती का है जो लोगों को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उकसाने का काम कर रहा है। मैं शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस ना निकालें। मैं शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस ना निकालें। अगर जुलूस मोहम्मदी में शरीक होना है और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कल बाद नमाज ज़ोहर मस्तान शाह के मैदान में ज़रूर पहुँचें और इस सुअर के नाम पर एक FIR ज़रूर दर्ज कराएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब यह दूसरा वीडियो देखिए, यह शहजाद हाजी का है जो थाना परिसर के बाहर भीड़ को उकसाने का आरोपी है, लेकिन अभी फरार है और वीडियो जारी कर छतरपुर हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बता रहा है। पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई, तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, SDM साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, दो चप्पल मुझको भी लगी। अब इस पूरे मामले में हुए एक्शन को भी समझ लीजिए। सरकार ने थाने पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों को चिन्हित किया और एक्शन शुरू कर दिया। 46 लोगों पर नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात पर FIR दर्ज की गई। अब तक 27 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शहजाद हाजी की आलिशान हवेली को चंद मिनटों में गिरा दिया गया है। महंगी कार को भी JCB में कुचल दिया गया। पत्थरबाजों का पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। देश का सियासी पारा यहीं से गर्म हुआ। देश भर में राजनेता और सियासी दल बुलडोजर चलन के विरोध में आए, तो छतरपुर में इमाम हाफिज मोहम्मद जमालुद्दीन का भी वीडियो आया, जिसमें पत्थरबाजी की घटना की निंदा और सरकार के कदम के साथ बताया। मैं हमेशा सरकार के साथ हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं विपक्षी दल भोपाल से लेकर दिल्ली तक में प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने DGP से बुलडोजर चलन के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने राजधर्म याद दिलाया। तो वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा कि तुष्टीकरण नहीं होगा, पर कानून सबके लिए समान होगा। तो वहीं खजुराहो सांसद और BJP के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा, कानून कानून की तरह ही काम करेगा। कानून
कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ वेरिएशन भी होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक काम कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर छतरपुर थाना पथराव मामले और उसके बाद हुए एक्शन को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। मौलाना इरफान चिश्ती पुलिस रिमांड पर है तो दूसरा मुख्य आरोपी शहजाद हाजी को लेकर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आरोपी की सजा किसी के घर को गिराकर दी जाना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या धर्म का सहारा लेकर भीड़ को उकसाकर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ना चाहिए। क्या अपने हितों को साधने के लिए बेकसूरों पर पत्थर बरसाने की करतूतों पर बड़ा संदेश वाला एक्शन सच में जरूरी है। लोकमत के लिए छतरपुर और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।